डियर स्टूडेंट वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं लीनियर इक्वेशन यदि एक वेरिएबल में है होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। एंड आई विल से इज अ वेरी वर्सेटाइल, इसमें आप बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। लाइक लेट्स सी, आई विल डिस्कस इन सिस्टमेटिक मैनर। लाइक लेट्स सी बेस्ट द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लाइक हम लोग क्या क्या बात करेंगे। स्टूडेंट हम लोग लिनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं, चलिए उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसको हम लोग आई कैटेगराइज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, आई ऑल्सो यू कैसे उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो प्रॉब्लम एकदम आसान हो जाएगा। लाइक जैसे नंबर बेस पे प्रॉब्लम लेंगे, कुछ यदि आयु एज निकालने का है उस बेस पे प्रॉब्लम लेंगे, यदि एंगल लाइक है ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटरल का, यदि हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है तो उसको कैसे डील करेंगे। एरिया यदि कुछ एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम है वो यदि वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है तो उसको कैसे डील करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम, परसेंटेज का प्रॉब्लम, आई विल से इज अ वेरी वर्सेटाइल यूज ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो चलिए आज हम लोग डील करेंगे लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल। चलिए हम लोग सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, सम ऑफ द थ्री कंजुगेटिव इवन नंबर इज 48, फाइंड द नंबर्स। सो थ्री कंजुगेटिव इवन नंबर, सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर x है, सो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस टू। लाइक ऐसे भी सोच सकते हैं, सपोज कीजिए एट रैंडम लीजिए 4, सो नेक्स्ट कंजुगेटिव नंबर क्या होगा 6, नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा 8। मीन्स हम लोग इसमें दो दो ऐड कर रहे थे, पहला हम लोग जो माने उसमें दो दो ऐड करने का है। सो दैट इज अ कंजुगेटिव इवन नंबर। So, x पहला है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस टू, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस फोर। ये तीनों नंबर हो गए x, x प्लस टू, x प्लस, और ये तीनों का ऐड जब करते तो कितना हो जाता है 1। इस समय इसमें हम लोग ऐड लगा देंगे, मतलब समझिए कि ऐसा नंबर हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 48। सो अभी इसको हम लोग ऐड करेंगे, सो x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, एंड नंबर को ऐड कीजिए 4 प्लस 2 6 इक्वल टू 48, एंड दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू, इधर में कीजिए माइनस हो जाएगा 48 माइनस 6 दैट इज 42, यानी 3x इक्वल टू 42। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42/3 दैट इज 14। सो x 14 हो गया, यानी नंबर क्या क्या हो जाएगा देखिए 14 16 18 14 16। प्रॉब्लम इफ 10 वी एडेड, सिर्फ क्वेश्चन समझने का, इक्वेशन फॉर्म करने का, एंड देन सिंपल यू हैव टू सॉल्व इट। इफ 10 वी एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ ए सर्टेन नंबर, तो सर्टेन नंबर मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि नंबर है 5, नंबर है सर्टेन नंबर, यानी नंबर हम लोग मान लेते हैं कि x है। ओके अभी हम लोग क्वेश्चन में देखिए क्या लिख रहा है, 10 वी एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ ए सर्टेन नंबर। सो 4 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर, सो इक्वेशन कैसे, इधर में देखिए 4 टाइम नंबर 4 इंटू एक्स, इसमें 10 ऐड करेंगे हम लोग, क्या है द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है वो क्या है, इज 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर। सो नंबर हमने अंज्यूम किया था एक्स, तो उसका हम लोग 5 टाइम्स करेंगे, सो दैट इज 5 टाइम्स 5 इंटू एक्स हो जाएगा, एंड उसमें कितना लेस है 5 लेस है, एंड देन इक्वल कीजिए दैट इज इक्वेशन। मतलब समझिए कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये हो गया, दोनों को इक्वल किए सो इक्वेशन फॉर्म हो गया। मे वी कैन जस्ट नाउ जस्ट कंप्लीट इट, इफ 10 टू वी एडेड 4 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर का 4 टाइम्स में, यानी नंबर को 4 टाइम्स 10 ऐड करते हैं, यानी 4x प्लस 10 हो जाएगा। ये किसका रिजल्ट क्या हो रहा है, 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, मीन्स 5 टाइम्स का मतलब 5 गुना से 5 कम है, बस इसको सॉल्व कीजिए हो गया। यानी x को एक साथ करेंगे, नंबर को एक साथ करेंगे, सो दिस वे यू कैन से 4x, और वो साइड में ले जा सकते हैं, नंबर को इधर लाता हूं 10 प्लस 5x माइनस 4x एंड दिस इंप्लाइज 15 इक्वल टू x, मीन्स x नंबर कितना हो जाएगा 15। इसमें वैल्यू पुट करके देखिए से आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी लीनियर इक्वेशन का है। देखिए
डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की बात कर रहा है, इज थ्री मोर देन द न्यूमरेटर। ओके, पहले फर्स्ट सेंटेंस का हमको फाइनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का है। सो फ्रैक्शन में पी वाई क्यू फॉर्म है, तो सिंपली हम लोग न्यूमरेटर को एक्स मानिए, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से तीन ज्यादा है, सो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ये हमारा फ्रैक्शन है, यू कैन से पी वाई क्यू फॉर्म में। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या लगा रहा है, देखिए, इफ टू इज एडेड टू द न्यूमरेटर, मींस देखिए करते जाते हैं, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, अभी इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस टू, न्यूमरेटर में दो एड कर रहे हैं, एंड फाइव इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मीन्स ये वाले पार्ट में हम लोग फाइव एड कर रहे हैं, सो एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव, यही है ना, एंड देन एडेड द फ्रैक्शन बिकम हाफ। पहले फ्रैक्शन एक्स बाई एक्स प्लस थ्री था, अभी ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू हाफ, सिंपल। अभी इसको सोल्व कर दीजिए, हो गया। सो इसमें सोल्व करने के लिए एक्स प्लस टू, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एट इक्वल टू हाफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूं टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स प्लस एट, एंड इसको हम लोग इधर लाएंगे x को, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू एट माइनस फोर, एंड दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू फोर, x इक्वल टू फोर आ गया, तो इसमें हम लोग सिंपल यहीं पे लिख देता हूं, फ्रैक्शन कितना हो गया आपका 4y7, सिंपल। सो प्रॉब्लम बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन यदि आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, तो फॉर्म करने का है लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने का, एंड देन यू कैन easily you can solve the word problem. Let's see, I'll take the another some few example. Let's see, angle base पे हम लोग ले, dear student, चलिए हम लोग linear equation का use देखते हैं, अभी geometry में देखते हैं. Let's see, I'm taking a simple example. In the given triangle, find the angles. इसमें angles का measurement दिया हुआ है, x degree, 2x minus 20 degree, x plus 40 degree. And we know sum of the all three angle कितना होता है, 180 degree. So, सभी को ऐड कीजिए, x प्लस 40 प्लस 2x माइनस 20, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। बस ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, ऐड कीजिए x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 4x, एंड दिस इज 40 माइनस 20 कितना हो गया, 20, एंड दिस इक्वल टू 180, एंड 4x इक्वल टू 160, इधर में लेंगे 20, सिंपली यू कैन डू इट, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, एंड देन यू हैव टू पुट हियर 40 डिग्री, इधर में 40 प्लस 40 80, एंड रिमेनिंग जो हो जाएगा ये आ जाएगा, वेरी सिंपल लिनियर इक्वेशन से हम लोग कर लिए इसको। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज्योमेट्री में देखते हैं क्वेश्चन, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन थ्राइस इट्स सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल ये सब आप लोग पढ़े ही है, सो सप्लीमेंट का मतलब होता है, यदि एक 10 है तो उसका सप्लीमेंट कितना है, 180 माइनस 10, सो यदि x है, सपोज कीजिए कि एंगल हमने x डिग्री माना है, तो उसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x। ओके, अभी हम लोग इक्वेशन इससे बनाएंगे, देखिए कह रहा है, एंड एंगल इज 20 डिग्री लेस देन थ्राइस ऑफ इस, सो थ्राइस ऑफ इज सप्लीमेंट, सो हम लोग ये लिखेंगे थ्राइस ऑफ सप्लीमेंट 3 इंटू 180 माइनस एक्स। ओके, एंड इसको हमको बराबर करने का, किसमें, देखिए एंगल इज 20 डिग्री लेस, इसमें देखिए 20 डिग्री लेस देन इट्स थ्राइस ऑफ इस, सो यदि मान लिया जाए किसी के पास कुछ रुपया है, उसके यदि लेस है, यदि इक्वल करने का मतलब उसको हमको एड करना पड़ेगा, सो सिंपली यू कैन से एक्स, इसको यदि हम इसके बराबर करने का है, सो प्लस 20, सो दिस इज, और ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि इसको जो भी है इसमें यदि माइनस एक से यदि हम लोग करते हैं, यानी नेक्स्ट जो टर्म आएगा 3 180 माइनस एक्स, इसको हम इधर लाएंगे माइनस एक्स इक्वल टू 20, ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि किसी के पास कुछ रुपीज है, दूसरे के पास रुपीज है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, तो सेम वे में वी कैन डू इट। सो नेक्स्ट, इसको आपको बहुत इजीली तरह से सोल्व कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो गया, 3 × 5 = 40 माइनस 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, एंड यहां से सिंपली आप सोल्व करके x का वैल्यू यू कैन गेट वेरी इजीली,
एंड देन कैन दैट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल। सो देखिए ज्योमेट्री में भी कितना नाइसली हम लोग इसको यूज कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को। ओके सो लेट्स सी आई टेक मॉर्फी एग्जांपल। लेट्स एरिया बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हमने लीनियर इक्वेशन का पेरीमीटर एरिया बेस प्रॉब्लम देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। मीन्स रेक्टेंगुलर फील्ड है सो आई एम जस्ट ड्राइंग दिस इज रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके सो लेंथ मान लीजिए एक्स है तो ब्रेथ कितना है 2/3 है इसका। सो 2/3 यानी 2x डिवाइडेड बाई 3। ओके एंड इफ द पेरीमीटर ऑफ फील्ड 60 मीटर है तो फाइंड द एरिया। एरिया निकालने का मतलब हमको लेंथ एंड ब्रेथ निकालने का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हो जाएगा। सो ये कंडीशन से देखिए हम लोगों को पता है पेरीमीटर का मतलब ये x हो जाएगा, ये भी 2x बाई 3। तो इक्वेशन कैसा बनेगा देखिए, यानी हम लोग पेरीमीटर पता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ यानी एक्स प्लस 2x बाई 3 एंड ओके एंड दिस इज इक्वल टू कितना है 60। सिंपल एंड यहां से हम लोग वी कैन फाइंड आउट एक्स प्लस 2x बाई 3 सिंपल इसको इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30 एंड इसको हम लोग इजिली सोल्व कर सकते हैं। दिस इज 3x प्लस 2x यानी 5x बाई 3 इक्वल टू 30 एंड नाउ यू कैन डू वेरी इजिली। ये हम लोग x का वैल्यू हमको यहां से निकाल लेंगे तो आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा, ब्रेथ पता चल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकल जाएगा। मतलब बेसिकली हमको ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने का सीखने का है एंड देन यू कैन डू व्हाट एवर वी हैव कवर द प्रोसेस टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यानी ये कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 5 18 x इक्वल टू 18 एंड देन यू कैन डू इट वेरी इजिली। सो डियर स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर ईच 5 meter लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स थर्ड साइड। सो लेट सी आई एम ड्राइंग अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ओके एंड इधर में क्या बोल रहे हैं टू इक्वल साइड, मतलब लेट सी मैंने ये और ये साइड को इक्वल माना है, ये और ये इक्वल है एंड थर्ड साइड ये है। सो टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 5 meter लेस देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड साइड। मैंने लेट सी हमने थर्ड साइड मान लिया जाए एक्स है सो ये कितना हो जाएगा देखिए दुगना लेस देन ट्वाइस ऑफ द थर्ड यानी दुगना से 5 कम है। सो ये कितना 5 कम मतलब कि ये और ये इधर सेम ही है साइज इसलिए कितना हो जाएगा 2 - सिंपल। यानी यदि थर्ड साइड एक्स है तो दूसरा साइड 2x - 5 ये तीनों को ऐड कीजिए तो कितना दिया होगा पेरीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 55 meter फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड। मतलब यदि हमें एक्स का वैल्यू इफ यू फाइंड आउट तो हमारा सारा वैल्यू निकल जाएगा तो ऐड कर दीजिए तीनों को यानी समझिए कि ये 2 दोनों इक्वल है इसलिए 2 × 2x - 5 प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 55 एंड देन जस्ट सिंप्लीफाई 4x - 10 प्लस एक्स इक्वल टू 55 एंड देन आपको इजिली कर सकते हैं 5x इक्वल टू 65 एंड यहां से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 13 हो जाएगा एंड देन यू कैन पुट इट देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ईच साइड। सो एज पे देख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग अभी एज बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी ए मैन इज 28 ईयर ओल्डर देन हिज सन, आफ्टर 10 ईयर ही विल थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सिंपल क्वेश्चन है यानी मान लेते हैं हम लोग इस सन का एज एक्स है तो उसका फादर यू कैन से तो फादर का एज कितना हो जाएगा 20 ईयर ओल्डर है सो सन का एज मान लेते एक्स ईयर। ओके सो फादर का एज कितना हो जाएगा फादर का कितना हो जाएगा एक्स प्लस 28 ईयर। ओके आफ्टर 10 ईयर ही विल थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 10 ईयर के बाद तो 10 ईयर के बाद एज कितना हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर यदि हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा सन का एज कितना हो जाएगा देखिए एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ओके एंड फादर का एज कितना हो जाएगा एक्स प्लस 28 प्लस 10 यानी 38 एंड दोनों को इक्वल कर गए हैं इसका क्या कह रहा है कि थ्राइस एज ओल्ड एज सन मींस
यानी हमको दोनों को यदि इक्वल करने का है तो ये तीन से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि इसका ये समझिए कि इसका जो फादर का एज है तिगुना है, मतलब यदि इसके बाद इसका थर्टी 20 है सन का तो फादर का कितना हो जाएगा 60 दैट वे। एंड नाउ इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन, नाउ यू कैन सोल्व इट 3x + 30 एंड दिस इज इक्वल टू x + 38 एंड देन इसको हम लोग आसानी तरीके से सोल्व कर सकते हैं 3x - 8 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x एंड दिस इक्वल टू 30, इसमें 30 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 8 मीन्स x इक्वल टू 4 ईयर, यानी सन का एज कितना हो जाएगा 4 एंड फादर का देखिए कितना हो जाएगा 32। चलिए हम लोग एक रेशियो पे क्वेश्चन करते हैं एंड इसको देखते हैं कैसे यूटिलाइज करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन में। ये बैग कंटेन्स 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो ऑफ 5:9:4 अमाउंटिंग टू ₹206। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ईच टाइप्स। ओके सो एक बैग है जिसमें क्वाइंस है, कितना क्वाइंस यह है ये नहीं दिया है, सिर्फ रेशियो दिया है, यानी 50 पैसे का क्वाइन है इसमें, 20 पैसे का क्वाइन है एंड 10 पैसे का क्वाइन है, कितना नंबर ईच है नहीं दिया है, बस रेशियो दिया हुआ है उसको। सो मान लीजिए कि एक्स है, सो हमारा नंबर ऑफ क्वाइंस यू कैन से 50 पैसे नंबर ऑफ सिंपली नंबर ऑफ क्वाइंस जो बोलिए 50 पैसे का कितना हो जाएगा 50, यदि हमने एक्स रेशियो में माना एक्स तो 50 पैसे का कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ओके एंड नेक्स्ट में कितना था 25 पैसे का कितना हो जाएगा 9x एंड देन 10 पैसे का कितना हो जाएगा 4x। सो दैट इज अ रेशियो, यानी रेशियो का मतलब कुछ नहीं है, ऐसे ये 5:9 मतलब यदि एक 5 है तो दूसरा 9 है 4, यदि एक 10 हो जाएगा 10, 18, 8 लाइक दिस वे, यानी यदि x है तो यू कैन से 5x, 9x, 4x। ओके एंड नेक्स्ट में इसका वैल्यू 206 है, सो हमको नंबर ऑफ क्वाइंस को हमको क्या रूपी में कन्वर्ट करें, यानी एक क्वाइन यदि 50 पैसा कितना होगा तो रूपी में कन्वर्ट करेंगे तो 50 / 1 मतलब कि हाफ रूपी, यानी सिंपली यू कैन से नाउ, यानी हमको वैल्यू यदि देखने का है, वैल्यू फॉर 50 पैसे क्वाइन का कितना हो जाएगा 5x × 50/100 एंड दिस इज इक्वल टू, दिस आर वैल्यू फॉर द ईच क्वाइन, सो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे 2 कितना हो जाएगा 5x/2। सिमिलरली 9 का कितना 25 पैसे, यानी 25 / इतना हो जाएगा, यानी ये कितना 9x × 25/100 सो 1/4 हाफ ऐसा कैंसिल ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 9x/4। थर्ड वन हो गया 10 पैसे, यानी कितना 4x × 10/100 यदि 20 रहता तो 20/100 लाइक दिस वे, ये कितना हो जाएगा 10 एंड दिस इज इक्वल टू, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 से 5 से कैंसिल हो जाएगा यानी 2x/5। ये हमारा किस में आ गया, सब रूपीज में आ गया, रूपी में। ओके एंड ये सबको एड करेंगे तो कितना रूपीज आता है 206, यानी सिंपली कैन से 5x/2 + 9x/4 + 2x/5 एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 206 एंड इससे हम लोग एलसीएम निकाल लेके हम लोग वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन वी कैन फाइंड द कितना ऑफ क्वाइंस है इस टाइप, कितना क्वाइन है, यू कैन डू वेरी इजिली, इसको एलसीएम लेने का है एंड देन सिंपल जो लीनियर इक्वेशन का किए थे उस विधि से प्रोसेस से हम आप कर सकते हैं वेरी इजिली। चलिए लेट्स सी, आई टेक वन लास्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, चलिए अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन का इसमें देखते हैं गेन लॉस, इसमें देखिए सिंपल वे में हम लोग इसको करेंगे, लीनियर इक्वेशन का यूज करेंगे, फॉर्मूला से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी ट्राई विद द लीनियर इक्वेशन। राजू सोल्ड अ वॉच टू सोनू एट 12% गेन एंड सोनू हैड टू सेल इट टू मनु एट 5% लॉस ऑफ 5% इफ मनु पेड 5,320 रुपीज हाउ मच डिड राजू पे फॉर इट। देखिए बहुत लंबा दिख रहा है, यानी हम लोग इसमें देखिए तीन आता है, देखिए फर्स्ट क्या आता है राजू, ओके उसके बाद
किसको इसने बेचा? सोनू को। सोनू किसको सेल किया? मोनू को। ओके, सो हाउ मच डिड राजू पे इट फॉर, मतलब पे मतलब कितना में वो खरीदा। ओके, सो दैट यू कैन से द परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं। सो लेट सी द वॉच का कॉस्ट प्राइस मार्केट में, मान लीजिए ₹1 में वो खरीदा था राजू। अभी देखिए सिंपल, सोनू को कितना 12% गेन पे उसको बेचा है, तो सोनू को कितना में वो मिलेगा? एक प्लस, मतलब यदि 100 है, यदि 12% मतलब ₹112। सो यदि एक्स है, एक्स का 12%, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए एक्स प्लस 12x डिवाइडेड बाई 100, एंड इसको सिंपल करेंगे तो 112/100, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से कटेगा और 28 मीन्स 28x डिवाइडेड बाई 25, कितना रुपीज सोनू का में खरीदा वो। अभी नेक्स्ट में करा है, सोनू हैड सेल टू मनु 5% लॉस में बेचने का उसको, मतलब जितना में खरीदा था उसका 5%। सो इसका देखिए 20x डिवाइडेड बाय 25, इसका 5%, ये देखने का है। सो इसका 5% का मतलब कि 28x डिवाइडेड बाय 25 इंटू यहाँ 12% था 5%, इन 5 का मतलब 100। सो मोनू को कितना में मिला उसको? 20x माइनस कितना, और वो कितना पे किया है फाइनली? 5320 मीन्स ये अभी इक्वेशन बन गया इक्वल टू 5320, ये यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो गया, एंड ये इक्वेशन से आपको x का वैल्यू यू कैन गेट इट। लेट सी विल डू इट, सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए ये दोनों कॉमन है, 28x कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है, ये कॉमन है। इसमें कितना बचा? 1 - 5y 100। ओके, इसको कट कीजिए, 5 कितना? 20, एंड दिस इक्वल टू 5320, एंड सिंप्लीफाई इसको कीजिए, 28x / 25, एंड इसमें देखिए 20 सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये ऐसा समझिए 1 - 1y 20, एंड ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 20 - 1 - 19y 20, यानी इधर में हम लोग लिख सकते हैं (x)(19y)20 एंड इक्वल टू 5320। ओके, एंड यहाँ से x का वैल्यू यू कैन गेट इट सिंपली, ये जो नीचे वाला है उसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5320 25 × 20, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 28 × 19। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल इसको डिवीजन है, इसको हम लोग कट करेंगे। देखिए 90 से आप कट कर सकते हैं, 19 से 530, लेट्स सी आई एम कटिंग हियर 19 5320, सो कितना हो जाएगा? 2, सो 38, यानी ये कितना? 13 5, एंड ये 4 में 3 1, एंड दिस 2, देखिए 9 8 से हो जाएगा 8 हो जाएगा 9 × 8 72 7 एंड 50, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 280। सो 19 से ये कितने में कट जाएगा? 280, एंड देन इसको हम लोग कट करेंगे, देखिए 10 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर हो गया? 10 × 25 × 20, सिंपली देखिए 25 × 2500 एंड 10, सो दिस इक्वल टू 5000 रुपीज। सिंपल, सो सिंपल यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन का बहुत ही वैरायटी यूज है, बहुत वेरिएबल यूज है, आप यूज करने का इसको तरीका को समझने का है। इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो आपको बहुत ही आसान दिखेगा, जैसा ऐसा ये प्रॉब्लम लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सिंपली यदि हम लोग इक्वेशन में स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं कि यदि हमने एक्स माना उसको फिर कितना आ गया, फिर इतना आया, फिर सोल्व किए वैल्यू विदाउट एनी टेंशन, और यू कैन से विदाउट मार्किंग अप, और ऐसा करके फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, यू कैन डू इट। सो हम लोग क्या क्या डील किए आज? नंबर पे डील किए, ओके, देन हम लोग एज बेस पे डील किए, ज्योमेट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, मेंसुरेशन में कैसे यूज करने का है, आपको परसेंटेज में कैसे यूज करने का है, स्पीड एंड टाइम में भी यूज करने का है।
So that is a variety of use of linear equation. Only you have to understand the basic concept. For the today, for this topic, let's see, we'll discuss next video. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यदि दो वेरिएबल रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, एक्स एंड वाई इसमें हमको, तो उसमें दो इक्वेशन चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. होपफुली यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव कवर इन दिस टॉपिक. यदि आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट, हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू.